गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 का एक टॉपिक रिपोर्ट। कक्षा 12 के अंदर कक्षा 12 में सेक्शन नंबर बी यानी कि आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उसके अंदर सेक्शन नंबर बी में एक टॉपिक है रिपोर्ट। उसमें यानी कि उसका जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 12 है और उसके मैक्सिमम मार्क्स 7 है। अब रिपोर्ट है क्या? टेंथ में इलेवंथ में से पढ़ते आए हैं कि भी पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ दो प्रकार के, जैसे एक प्रेजेंटेड लिखते हैं, पास्ट में लिखते हैं, वैसे ही ये एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट थोड़ा सा अलग है कि न्यूज़पेपर के अंदर अपने कोई भी जैसे रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई घटना हुई, या तो घटना होती है अच्छी या होती है बुरी। अब बुरी है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट और अच्छी है तो इवेंट। अब अच्छी कौन सी है? अच्छी जैसे भी कोई फंक्शन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है। और बुरी के अंदर अपने जैसे फ्लड एक्सीडेंट है, फायर एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, ठीक है, बैंक रोबरी है, ये है सारे। अब न्यूज़पेपर के अंदर जो वो अपने कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हैं कि भी कल ऐसा हुआ, इस बैंक में ये रोबरी हो गई, ये एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो घटना होती कल है, पढ़ते आज की, मतलब वो घटना चली गई किसमें? पास्ट में। तो एक बात ध्यान रखनी कि इसको लिखना किसमें है? पास्ट में। और ज्यादा क्या है इसमें? पैसिव वॉइस का यूज करते हुए यानी कर्मवाचक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई रिपोर्ट को लिखना कैसे है, क्या कुछ करना है उसमें, क्योंकि 7 मार्क्स से अपने ओपन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। क्यों रटा क्वेश्चन तो अपने कितनों ही करेंगे कि 10 करेंगे, 20 करेंगे, लेकिन इससे क्या है कि अपने अगर उसको समझ लें कि उसको लिखना कैसे है तो काफी आसान हो जाता है। तो आज अपने एक देखते हैं उसमें से इंसिडेंट, जो इंसिडेंट है यानी कि जो दुर्घटना है या बुरी बात है उसको अपने देखते हैं कैसे लिखना है, क्या। पहले एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ क्या लगाना है, नहीं लगाना। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट अपने उठाते हैं एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट, ठीक है। रोड एक्सीडेंट यानी कि सड़क दुर्घटना, इसके अंदर नीचे लिखा हुआ बाई अरुण रिपोर्टर, ठीक है। जगह का नाम यहाँ लिखा सीकर जयपुर, ठीक है, कॉमा लगाया, ठीक है, 3 मई, उसके बाद छोटा सा डैश लगा के लिखते हैं सैटरडे प्रूव्ड, सैटरडे प्रूव्ड परहैप्स यानी शायद द मोस्ट अनफॉर्चुनेट यानी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डे ऑफ मेनी पीपल हु विटनेस्ड ए फेटल कोलाइजन इंसिडेंट ऑफ ए मारुति कार एंड टूरिस्ट बस एट सीकर ऑन NH7 एट अराउंड 2 PM। इसमें देखिए कि सीकर जयपुर के अंदर 3 मई को जो आपका सैटरडे है, ठीक है, शनिवार है, बहुत ही जो एक्यूट वाले साबित हुआ शायद उन यानी बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण दिन साबित हुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको, ठीक है, विटनेस इसको एकदम आंखों अपनी आंख से देखा, ठीक है। फेटल यानी बहुत ही घातक, कोलाइजन यानी कि टकराव, ठीक है, बहुत ही घातक था, एक घातक दुर्घटना थी। और फिर इसके अंदर के एक मारुति कार और एक टूरिस्ट जो, ठीक है, बस है, वो आपस में टकरा ले और जगह सीधर NH7 यानी कि NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हाईवे, वहां एट अराउंड 2 PM लगभग 2 बजे दोपहर के 2 बजे द कार हिट द बस, कार ने बस को टक्कर मारी, विच वॉज फुल ऑफ पैसेंजर, जो कि पैसेंजर से भरी हुई थी। 2 teen boys were in the car, दो जो किशोरावस्था के लड़के थे वो कार में थे। डेड ऑन द स्पॉट, वो क्या है, ऑन द स्पॉट ही वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। द ड्राइवर ऑफ द मारुति डिड नॉट गेट हर्ट, जो मारुति कार का ड्राइवर था उसको चोट नहीं लगी। 10 passengers सीरियसली इंजर्ड, 10 जो पैसेंजर है यात्री है उनको, ठीक है, बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए। ये अब ये देखो आपका सेंटेंस आगे देखते हैं, देयर वर ए लाउड ह्यूमन क्राई, काफी, ठीक है, भारी मात्रा में चीखे चिल्लाटे थी। सम पीपल कॉल द पुलिस, यानी कि कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाया एंड एम्बुलेंस को बुलाया। द इंजर्ड एंड द डेड वर एंड द डेड वर टेकन टू हॉस्पिटल, यानी कि जो घायल थे जिनकी मृत्यु हुई उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। द एक्सीडेंट वॉज हैपन्ड बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस, यानी नेग्लिजेंस लापरवाही ऑफ द ड्राइवर ऑफ द मारुति कार, ये जो एक्सीडेंट हुआ वो मारुति कार के जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही के कारण हुआ। द पुलिस रजिस्टर्ड ए केस
फॉर हिम, यानी कि पुलिस ने क्या है कि एक केस रजिस्टर किया है उसके लिए। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ लिखा, एक बातें ध्यान रखने वाली कि एक तो इसमें अपनों ने पास्ट टेंस का यूज किया, ठीक है, पास्ट टेंस में लिखना है और क्या क्या कैसे शामिल करना है। तो नंबर वन से यहां से ऊपर से देखो कि एज नंबर यहां अपने को इसमें सबसे पहले टाइटल ऑब्लिक हेडलाइन ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट अपने लिख रहे हैं जो न्यूज़पेपर में आएगी, ठीक है, उसका जो टॉपिक है ऐसे लिखेंगे रोड एक्सीडेंट था तो रोड एक्सीडेंट, ठीक है, फायर एक्सीडेंट है, बैंक रोबरी है, जो है वो इसमें लिखेंगे सबसे पहले ऊपर पेज पर। उसके बाद नंबर दो में आप देखिए नेम एंड पोजीशन ऑफ द राइटर, जो इस रिपोर्ट को लिख रहा है उसका नाम क्या है, जैसे इसमें बाई अरुण है कोमा रिपोर्टर, यानी उसका जो उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो एक रिपोर्टर है, ठीक है। उसके बाद में तीन नंबर पॉइंट में देखिए इधर से देखते हैं प्लेस एंड डेट ऑफ राइटिंग, यानी कि जो स्थान है जहां से इस लेखन को लिखा गया, जैसे सीकर है, जयपुर है, और समय इसके अंदर यानी जो डेट है वो है 3 मई, तो ये इसमें शामिल कर दिया। यानी कि एक नंबर में क्या, एक नंबर में अपने को टाइटल, दो नंबर के अंदर नाम और उसका जो पोजीशन है वो, तीन नंबर में प्लेस और डेट, उसके बाद चार नंबर मैनर ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो उस इंसिडेंट का मैनर था वो कैसा था, तो ये फेटल कोलाइजन इंसिडेंट यानी बहुत ही घातक टकराव था। और उसके बाद देखिए टाइम ऑफ हैपनिंग, यानी कि कितने बजे हुआ, ये इसमें शामिल करना है पॉइंट को। तो इस लाइन में देखते हैं ये लगभग अराउंड 2 PM हुआ, ठीक है, टाइम ऑफ हैपनिंग यानी कि किस समय ये घटना हुई। 6 में देखिए वे ऑफ हैपनिंग कैसे हुई, विच वॉज फुल ऑफ पैसेंजर, ठीक है, कार हिट द बस, यानी कार ने बस को टक्कर मारी, ठीक है ना, इसलिए बस ने मारी या कार ने, कोई तरीका जो भी है अपने को लिखना है। 7 में डिटेल ऑफ द डेड एंड द इंजर्ड, यानी कि कितने उसमें घायल हुए, कितने मृत हुए, उसके बारे में थोड़ी डिटेल देनी है। तो 10 पैसेंजर सीरियसली इंजर्ड, और उससे पहले लिखा है, यहां लिखा था उन्होंने कि 2 बॉयज इन द कार डेड ऑन द, हाँ ये बात, यानी कि ये 2 मृत हुए, ये घायल हुए, ये बात अपने शामिल करनी है। डिटेल ऑफ रिलीफ ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन के लिए क्या हुआ, तो कुछ लोगों ने किया कि पुलिस को और एम्बुलेंस को सूचना दी। तो ऐसे ही क्या अपने फ्लड में, रोबरी में और कोई भी जो इंसिडेंट है उसके अंदर इस तरीके से पॉइंट को, यानी रिपोर्ट को या करने के लिए, याद रखने के लिए, पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए अपने ध्यान में रखना है, एक तो पास्ट टेंस, ठीक है, और एक अपने को ध्यान में रखना है कि बिल्कुल पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए। तो पॉइंट के लिए 8 पॉइंट को ध्यान में रखें कि भाई एक नंबर इसमें अपने को टॉपिक डालना है, 2 नंबर इसके अंदर अपने को नेम एंड पोजीशन ऑफ द जो राइटर है उसका, 3 नंबर प्लेस है, डेट ऑफ राइटिंग, 4th में मैनर ऑफ इंसिडेंट, 5th है टाइम ऑफ हैपनिंग, 6th वे ऑफ हैपनिंग, और 7 डिटेल ऑफ द डेड एंड द इंजर्ड, 8 में डिटेल ऑफ रिलीफ ऑपरेशन, इनको शामिल करते हुए अच्छी सी रिपोर्ट लिखनी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं, ज्यादा छोटी भी नहीं, सब ध्यान रखना है। थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स, अब क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अलावा जो इसके नोट्स हैं वो PDF के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।